एक अजीब सी दास्तान है कि मेरे वालिद तो 42 से क्वेटा में हिकमत कर रहे थे और उनकी एक बेटी शादी उन्होंने की थी, वो क्वेटा में थी तो वो बीमार हो गई थी, तो उनके इलाज के लिए वो खुद हिकमत के इलाज के लिए क्वेटा गए थे। फिर वो क्वेटा में उन्होंने अपना मतलब खोल लिया, तो साल में दो बार ज़रूर कायमगंज आते थे और बाकी वक्त वो अपना मतलब वहाँ चलाते थे। और हम लोग कायमगंज में अपनी वालदा के साथ अपने रहते थे, हमारी दो बहनें और बरना साहब और मैं कायमगंज में थे, बाकी भाई बहन हमारे बॉम्बे में थे। एक दफ़ा कस्टोडियन जो होते थे, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया उसके काफ़ी दिन यानी 49 में, ये मुझे पता है, 49 में किसी वक्त हमारे यहाँ घर पर दस्तक दी और हमारी वालदा ने अंदर से पूछा, जो हमें बताया गया, हमारी वालदा ने हमें बताया कि बेटा क्या हुआ था। तो एक तो उन्होंने ये बताया कि उनको कोई ये तसव्वुर नहीं था कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का तकसीम हो रही है इसमें अब हम पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे, कोई पासपोर्ट लेना होगा और हिंदुस्तान नहीं जा सकेंगे, और वहाँ अगर कोई आदमी है तो यहाँ जायदाद है तो वो जब्त हो जाएगी, और ये उनको कोई अंदाज़ा नहीं था। तो अपने बच्चों से उन्होंने पूछा, हमारी वालदा ने, कि भाई आपके वालिद तो क्वेटा में हैं, तो आप लोग क्वेटा क्या राय रखते हैं। हमारी वालदा बड़ी डेमोक्रेटिक खातून थी, सब ने कहा हम तो नहीं जाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर है हम वहाँ बसते थे, हमें कोई तकलीफ़ नहीं थी, वहीं रचे बसे थे। तो हमने, हमारी वालदा ने ख़त वत भिजवाया होगा कि भाई ये तो बच्चे तो इस तरह सोच रहे हैं, आपका क्या इरादा है। तो एक दिन हमारे घर पर दस्तक दी किसी ने आके, दो तीन आदमी आए, एक बड़ा सिख था जो आगे था, और उसने आकर कहा कि बेगम साहब, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मुझे ये बताइए, पूछने आया हूँ, आप ये बताइए आपके शौहर कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे शौहर तो वहाँ क्वेटा में हैं। और तो उन्होंने कहा कि आप फिर सोच के मुझे जवाब दे कि आपके शौहर कहाँ हैं और उनके कब तक आने का इरादा है। तो हमारी वालदा ने कहा कि बेटा, मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ कब तक रहेंगे और उनका कब आने का इरादा है, वो तो कभी कराची में रहे हैं साला साल, कभी अहमदाबाद में साला साल रहे हैं, वो नागपुर में साला साल रहे हैं, अब वो क्वेटा में है, तो मैं तो उनके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती। तो उसने कहा, आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मैं खुद एक शरणार्थी हूँ जो पंजाब से आया है, और उस पंजाब से मैं आया हूँ जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वहाँ से लुट के मैं आया हूँ, और मुझे दुख है कि आज ऐसा काम मुझे सुपुर्द किया गया है जिसको करते हुए मुझे दुख हो रहा है। तो बीबी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फिर सोच के बताइए कि आपके वालिद यहाँ हिंदुस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे। मैंने कहा, वो पाकिस्तान में है, वो फैसला करेंगे कि उन्हें पाकिस्तान में रहना है या हिंदुस्तान में, और तो हम तो दोनों जगह रहेंगे। उन्होंने कहा, हमें क्या तकलीफ़ है, सब देना, हम हिंदुस्तान में रहें, हमेशा रहें, यहाँ रहेंगे, पाकिस्तान जाना होगा तो पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान भी चले जाएंगे। तो उससे कहने, अब ये मामला नहीं रहा है, आप मुझे बताइए ये जायदाद, ये घर आपको पता है किसके नाम पर है। तो उन्होंने कहा, हाँ, मेरे वालिद, मेरे शौहर के नाम पर है ये घर। तो उन्होंने कहा, आप मुझे फिर बताइए सोच के, या आप वकील से मशवरा कर ले किसी। उन्होंने कहा, मुझे किसी वकील से मशवरा नहीं करना है, मैं आपको सही सही बता रही हूँ, मैं किस वकील से पूछूँ और क्यों मशवरा करूँ इस बारे में। उसने कहा, नहीं, शायद आपके लिए बेहतर हो कि आप किसी वकील को बुलवा लें। अब हमारे यहाँ वकील कहाँ, समझे ना, जान आलम खान के ख़ानदान में, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के ख़ानदान में कोई वकील हो, दूर दूर तो हो, वरना कोई कहाँ वहाँ वकील मिलता है। तो हमारी वालदा ने कहा, नहीं, आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगी, मैं कोई गलत बयानी तो नहीं करूंगी। तो उसने पूछा कि ये मकान आपके शौहर के नाम, मैं पूछना चाहता हूँ, आप सोच समझ कर कह रही हैं। तो उन्होंने कहा, ये मकान, उसने कहा, ये हमारे इल्म में भी है,
हिंदुस्तान की सरकार के इल्म में भी ये बात है ना कि ये मकान जो है, और आपके शोहर का कुछ पता नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो कब आएंगे। इसलिए बीबी बाग के सरकार में ये मकान जब्त कर रहा हूँ आपका, और यह मकान में आप, ये आज से आपका मकान नहीं रहा। तो हमारी वालदा ने कहा तो फिर आप क्या हम एहतजाज करें कि आप हमें अपने घर में बेघर कर रहे हैं, आप हमें अपने घर से निकालना चाहते हैं। तो वो शख्स रोने लगा, वो समझे ना, उसने कहा कि मैं तो खुद शरणार्थी हूँ, मैं तो खुद पाकिस्तान से आया हूँ, मैं तो खुद बेघर हो गया हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आप इस बात को समझेंगी नहीं बीबी, आप पर्दादार खातून हैं, आपको क्या पता कि हम क्यों आपका मकान जब्त करने आए हैं। हम बिल्कुल आपका मकान है। हाँ, मैं आपके साथ एक रियायत करना चाहता हूँ, आप मेरी बहन की तरह, मेरी माँ की तरह हैं, मैं आपके साथ एक रियायत करना, क्योंकि आप इन चीज़ों को नहीं समझती। अब क्या फ़र्क आ गया है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, क्या फ़र्क है, आप ये बात समझ ही नहीं रही हैं। आप तो समझती हैं आप जब चाहें वहाँ चली जाएँ, जब चाहें यहाँ आ जाएँ, ये ऐसा नहीं। अब ये दो मुल्क बन गए हैं, और ये जायदाद आपके वालिद वहाँ रह रहे हैं उनके नाम है, ये जायदाद मैं बाग के सरकार जब्त कर रहा हूँ, और आपको इसी मकान में एक काम में कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद शरणार्थी हूँ, मैं खुद आया वहाँ से, वो ये कर सकता हूँ कि मैं किरायानामा आपको इस मकान का लिख के दे सकता हूँ, सस्ता तरीन किरायानामा, जो आप कहेंगी वो किरायानामा। क्योंकि उसने कहा मैं क्या बताऊँ, क्या मैं अपने मकान में खुद किराएदार हो गई हूँ, ये कैसी दुनिया है, ये कैसा कानून है। उन्होंने बड़े यानी गुस्से में ये कहा कि ये कौन सा कानून है, ये कौन सा हिंदुस्तान है, और ये कौन सा पाकिस्तान है कि लोगों को अपने घर में बेघर कर रहे हैं। आप बैठ के उससे पूछ रहे हैं आप अपने घर में किराएदार हो जाइए। तो उसने कहा कि मैं आपके साथ रोने लगा, रियायत करूँ, यही कानून है, अब ये आपका मकान नहीं है, आप यहाँ, ये सरकार का मकान है, जब्त हो गया है। तो फिर उसने कोई 5-10 रुपए या कितने रुपए के अंदर उनको किराएदार बना दिया। हमारी वालदा को ये बात इतनी बुरी लगी कि वो जो हमेशा हिंदुस्तान में रहने का एक तसव्वुर उनके जहन में था, वो बिखर गया टूट के सारा का सारा। और फिर उन्होंने हमें बुलवाया, अपने बच्चों को मुंबई से बुलवाया, अब और सबसे पूछा कि देखो अब ये सूरत हाल हो गई, तुम लोग चलना चाहते हो हमारे साथ कि नहीं चलो। हम तो बहुत छोटे थे, हम तो इस फ़र्क को इतना ज़्यादा समझते थे, इस फ़र्क को तो मैं थोड़ा सा समझता था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम छोटे थे तो जामिया मिल्लिया दिल्ली में पढ़ते थे, और हमने वहाँ बच्चों ने गांधी जी को फूल देना या दूध का गिलास पिलाना ये भी हमने किया था। और जब भाई गांधी जी ने मरण व्रत रखा था तो हमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिल्लिया के दिल्ली के बच्चों को भेजा था दिल्ली, और हम वहाँ नारे लगाते थे कि गांधी जी का व्रत तोड़ाओ, गांधी जी की जान बचाओ। ये मोहब्बत हम लोगों की, हम लोग नफ़रत में नहीं पैदा हुए, तो हम कहते थे गांधी जी की जान बचाओ, गांधी जी का व्रत तोड़ाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये हमें उस इदारे में सिखाया जाता था, और हम जाके छूटे थे। हम तो ये फ़र्क नहीं जानते थे, और ना हमारी वालदा ये फ़र्क जानती थी, लेकिन जब उनका मकान जब्त हो गया तो वो बददिल हो गई, उनका दिल टूट गया, और फिर उन्होंने कहा कि अब शायद हमें पाकिस्तान जाना होगा। हम फिर वहाँ से, मैं, मेरी वालदा, मिन्हाज साहब, मेरी बहन कुत्सिया खानम, यानी 3 आदमी हम लोग वहाँ से, बाकी हमारे भाई बहनों ने वहीं रहने का फ़ैसला किया। हमारे 2 बड़े भाई थे, उन्होंने फ़ैसला किया बॉम्बे में रहने का। हमारी बसगरी खान, हमने कहा कि भाई हम तो यहीं रहेंगे, और हमारी दूसरी बहन कानपुर में रहती थी, उन्होंने कहा हम भी यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम फसाद का तसव्वुर नहीं था। एक तो वहाँ का जो ज़मींदाराना क्लास थी वो पठान थे पुराने, तो उनको अपने जो उस ज़माने की जो रैयतें थीं, या उस ज़माने में रैयतें होती थी, या कोली होते थे, या बील होते थे, या चाहे जो उनके काम वाम करते थे, या किसान होते थे, उनमें और उनमें एक रिश्ता था, ट्रेडिशनल रिश्ता था, वो एक दूसरे को लड़ाई कोई फसाद कोई कायमगंज की तारीख में। हम लाहौर आए, लाहौर में एक दिन हम ठहरे,
हमारे कोई वाइस चांसलर थे उनके घर के अंदर, उनके हमारे वालिद के दोस्त थे वो, और उन्होंने फिर हमें रात को एक ट्रेन में बिठाया तो हम फिर क्वेटा की तरफ रवाना हुए। और जब हम ज़रा रोशनी आने लगी तो पाकिस्तान डेवलप तो उस ज़माने में था नहीं, तो सुबह आँख खुली तो पता चला रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। शायद भावलपुर ये की तरफ से या मुल्तान की तरफ से जो ट्रेन गुजरती थी वो होती हुई सखर की तरफ वो ट्रेन किसी तरह पहुंची। और हम अपनी वालदा से कभी कभी पूछते थे कि यहाँ तो सब कोई दरख्त ही नज़र नहीं आता है। ये दिसंबर का महीना, नवंबर का एंड या दिसंबर का महीना था कि हम जब क्वेटा पहुँचे तो वहाँ सख्त सर्दी शुरू हो गई थी। और क्वेटा से पहले जो स्टेशन आए थे आबेगुम सरयाब, तो वहाँ तो कोई कोई ना उतरता था न कोई चढ़ता था, न स्टेशन पर कोई स्टेशन मास्टर नज़र आता था, न कोई कुली नज़र आता था, न कोई बंदा नज़र आता था। बस सुनसान पड़े होते थे, वहाँ रुकती ज़रूर थोड़ी चंद सेकंड की ट्रेन थी और आगे। तो हमें बड़ी तशवीश होती थी क्योंकि जब हम दिल्ली से अपने लोगों के ज़रिए कायमगंज जाते थे जामिया मिल्लिया से, तो हम सारी ट्रेनें भरी हुई, स्टेशन भरे हुए, लोग दुनिया भर नज़र आती थी, यहाँ हमें दूर दूर बंदा ही नज़र नहीं आता था। हम अपनी वालदा से कहते हैं हम किसके साथ खेलेंगे, वहाँ बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं, वहाँ बाग होता है कि नहीं होता है, वहाँ दरख्त। हमारी वालदा बहुत डांटती थी कि अब ये सारे सवाल बेटा आप अपने वालिद से कीजिएगा, मुझसे ना कीजिएगा, एहतराम के साथ आप उनसे पूछ लीजिएगा, अभी हम पहुँच जाएँगे क्वेटा। लेकिन बाद में क्वेटा पहुँचे तो क्वेटा एक बड़ा खूबसूरत शहर था उस ज़माने में, और गर्मियाँ आती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे गुलाबों की खुशबू हर घर से आती थी, यानी